है। सो मैं अपनी कजन्स के साथ जो है वो बनाऊंगी। विद इन फ्यू मिनट्स हम लोग किचन में होंगे, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताएं कि आप लोग का रमज़ान कैसा जा रहा है, आप लोगों की क्या फेवरेट रेसिपी है जो आप रमज़ान में बनाना पसंद करते हैं, और क्या ये चिकन ब्रेड की रेसिपी हिट होगी या फ्लॉप। सो डो बनाने के लिए आपको चाहिए बटर 2 टेबलस्पून, सॉल्ट 1 टेबलस्पून, शुगर 1 टेबलस्पून, ऑयल 6 टेबलस्पून, यीस्ट 1 टेबलस्पून, और इसके अलावा थोड़ा सा आपको चाहिए वाटर, और फ्लोर चाहिए आपको 2 कप। अब आपने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को जो है वो मिक्स कर लेना है। काइंडली अगर आप लोग एग्जैक्ट ऐसे ही स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट चिकन ब्रेड बनेगी। तो आपने ये देखना है, क्योंकि ये डो बनाने का जो प्रोसेस है वो ही सबसे ज़्यादा ट्रिकी है। तो आपने हैंड मूवमेंट्स को देखते जाना है कि किस तरह हम चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, फिर उसको किस तरह जो है गूंद रहे हैं, ठीक। सो मेक श्योर आप लोग जो है वो इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली फॉलो करें टू गेट दी बेटर रिजल्ट्स। और गूंदने के लिए आप जो है इसके लिए 1 कप मिल्क भी साथ साथ ऐड कर सकते हैं, जो कि मेरे से इंग्रेडिएंट्स में मिस आउट हो गया था। तो आप इसको मिल्क से क्या होगा, इसका फ्लेवर इन्हेंस होगा, और उसके बाद उसकी फाइनल लुक कुछ इस तरह से होगी। और उसके बाद आपने इसको कवर करके रख देना है एयर टाइट में, ताकि हवा ना गुजरे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है यहाँ पर इसकी फिलिंग का, और फिलिंग के लिए आपको चाहिए बॉयल्ड चिकन श्रेड किया हुआ, ठीक है, कैबेज। मैं इनकी क्वांटिटी नहीं बता रही, क्योंकि ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 कप मिल्क चाहिए, कैप्सिकम कैरेट चाहिए, चिली फ्लेक्स चाहिए 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, हमारे पास जो है फ्लोर यानी कि आपके पास 2 टेबलस्पून चाहिए, आपको कोरिएंडर चाहिए, आप ज़्यादा सारा ले सकते हैं, ठीक है। सॉल्ट ऐड करेंगे हसब ज़रूरत, और 1 लार्ज अनियन, और इसके साथ लास्ट इंग्रेडिएंट है हमारे पास 2 टेबलस्पून बटर। तो अब आई स्टार्ट करते हैं कुकिंग का प्रोसेस। एक पैन में हमने जो है वो ऑयल डाल लेना है, उसके बाद आप बटर इसमें ऐड करेंगे, और साथ ही आप उसमें ऐड कर देंगे अनियन, और उसको जो है वो आप सौते करेंगे। उसके बाद उसमें हम ऐड करेंगे फ्लोर, और जब फ्लोर ऐड करेंगे तो आप उसको फ्लेम से नीचे उतार लेंगे ताकि वो जले नहीं। और उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे 1 कप मिल्क, 1 कप मिल करके उसको अच्छे से हिलाएंगे ताकि उसमें कोई लम्स क्रिएट ना हो, और उसके बाद उसको नीचे उतार लेंगे, ठीक है। दोबारा से उसको चूल्हे पर रखने के बाद उसमें हम ऐड करेंगे श्रेडेड चिकन बॉयल्ड है जो कि, ठीक है, और उसके बाद इसको मिक्स करेंगे। आप देखें इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, इसमें कोई वाटर ऐड नहीं किया हुआ। उसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं कैबेज, कैबेज के बाद हमारे पास कैरेट एंड कैप्सिकम है चॉप फॉर्म में। अब उसको फिर दोबारा से मिक्स करेंगे, और अब उसके मिक्स करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसी ही शक्ल निकल आएगी। और उसमें सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे हम उनको स्टेप बाय स्टेप ऐड कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग साथ साथ देखते जाएं और इसकी कंसिस्टेंसी को भी देखें। कोरिएंडर ऐड किया है टू गेट दी परफेक्ट कलर, ठीक है, इसमें बहुत अच्छा कलर और फ्लेवर भी आएगा। ऑब्वियसली बात है, फ्लेवर के बगैर तो कुछ पॉसिबल नहीं है। देन हम इसको फिर से मिक्स करने वाले हैं, और मिक्स करने के बाद आप देख लें इसकी कंसिस्टेंसी को, इसके कलर को, इसके टेक्सचर को, और आप इस वक्त टेस्ट भी करके देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके पास कुछ कमी बेशी हो तो आप उसमें ऐड कर दें। उसके बाद हमने इसमें कुछ जो है वो क्यूमिन ऐड किया है, ज़ीरा, और अब बारी है डो की। और डो के लिए अब इसका असल प्रोसेस आता है इसको दोबारा से एक दफ़ा गूंदने का, चेक करने का सॉफ्ट और फ्लफ़ी होने का। फिर उसको हमने इसको रख दिया है, उसके बाद हम जो है वो पैन को ग्रीस करेंगे। पैन को ग्रीस करने के लिए आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा आप जो है इसमें मैदा को डस्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि कोई चीज़ जो है वो उसमें जले नहीं, ठीक है, आप इसको अच्छे से डस्ट कर लें। और उसके बाद हमने क्या करना है कि एक छोटी सी कटोरी में आपने कलवंजी लेनी है, और उसमें ज़ीरा ऐड कर देना है। इसको ऐड करने का मकसद मैं आपको बाद में बताऊँगी, जो कि आप ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे।
अब फिर से हम डो की तरफ आ जाते हैं। अब आपने डो को बहुत गौर से देखना है और देखना है कि किस तरह हम उसको गूंद रहे हैं, किस तरह उसको जो है प्लेटफॉर्म पे जो है वो पटक रहे हैं। और बिल्कुल ऐसे ही करना है क्योंकि इसी तरह जो है वो उसकी परफेक्ट शेप आएगी, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से राइज हो चुकी है, बहुत सॉफ्ट है, इसको हैंडल करना ठीक है। और इसलिए आप इसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और उसको प्रॉपरली जो है रोलिंग पिन से बेल लेंगे। देखते जाइए आप लोग। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं फिलिंग, और फिलिंग को यहाँ पर आप देखें किस तरह हम लोग ऐड कर रहे हैं। और अब आ रहा है सबसे मेरा फेवरेट पार्ट, इसको कट करने का। और इतनी ही अमेजिंग एंड ब्रिलियंट शेप आती है कि मुझे एक्चुअली मैं बहुत प्यारी लग रही थी। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये जब कटिंग कर रहे हैं और उसके बाद हम उसको शेप दे रहे हैं चिकन ब्रेड को एक फ़िश की, तो आपको कैसा लग रहा है? देखेंगे ज़रा कितना खूबसूरत है ये। कलवंजी को आपने ऊपर से जो है स्प्रिंकल कर देना है, उसके बाद हम जो है इसमें अंडे को ब्रश कर देंगे। हमें ब्रश मिल नहीं रहा था तो हमने स्पून से ही काम चला लिया, तो अब इसको हम ऊपर जो है वो ब्रश कर रहे हैं एग को, ताकि इसमें बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। और अब बारी आती है इसको बेकिंग ट्रे में ट्रांसफ़र करने की, और उसके बाद आपने ओवन को उससे पहले जो है 5 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पर प्री हीट करके रखना है, और 20 to 25 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पर ही इसको बेक करना है ठीक है। ये चीज़ आपने जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। और आप देख लें हम इसको हम रख चुके हैं और अब हम वेट करने वाले हैं। तो वेट करने के लिए हमने क्या किया, हमने साइकिल चलाई, उसके बाद हमने कार्टून देखे, और उसके बाद हमने क्या किया आइए आप लोग भी देखिए। हम निकालने वाले हैं यहाँ से डेंजरस माहिर, ये बहुत स्केरी है। कहीं रात को आपको डराती तो नहीं है? क्या ये आपको डराती है? नहीं। चक्की, चक्की बंदा, चक्की बंदा। क्या बात? Place your order. What do you want? हाँ जी। मुझे चॉकलेट। आप यहाँ के एक कैंडी शॉप पे नहीं आए हुए? It's a baking center. मुझे चाहिए चीज़। Baking center है ये। Change your order. Change your order. इधर बर्गर मिलता है? No. We only bake fresh bread or chicken bread. And we want fries. No, no fries. Chicken bread. बेटा आप जाए अपने घर वालों के साथ आइएगा। Chicken bread. Chicken bread. Chicken bread मिलेगी आपको just 5 minutes. It's almost ready. ठीक है? 5 minutes. What's your problem? 5 minutes. सो चिकन ब्रेड जो है वो रेडी हो चुकी है। नाउ इट्स टाइम कि मैं आपको बताऊं कि हाउ डज़ इट टर्न आउट इन टर्म्स ऑफ इट्स टेस्ट, फ्लेवर, टेक्सचर, सॉफ्टनेस, एवरीथिंग। सो लेट्स गेट अ लुक इनसाइड। माशाल्लाह इट टर्न्स आउट सुपर सॉफ्ट, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा होगा, इवनली बेक्ड हुई थी। और ये वंडर्स ऑफ कुकिंग है। और अगर आप लोग कुकिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन मैं मेक श्योर करती हूँ कि इसको देखने के बाद आप लोग जो है कुकिंग में ज़रूर इंटरेस्ट लेंगे। एंड परी कांट रिजिस्ट हर सेल्फ कि वो खा सके, सो उसने जो है बहुत जल्दी जो है वो बाइट ली, तो देखें क्या हुआ इन टेस्ट। इट्स
too hot. Just take a minute. And it turns out extremely delicious, tempting, perfect color है इसका, आप देखें. और अब हम लोग जो है इसको खाने वाले हैं, और टेस्ट तो ऑलरेडी ही इसका बेस्ट था क्योंकि फिलिंग हम ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं इसके. Sorry, he's going to taste the chicken bread. It's so cheesy and hot. OMG. How does it taste? Soft hai? Kitna? Maine achhi banayi hai na? Maine achhi banayi hai. Mike, kaise lagi aapko? आफ्टर हैविंग अ डिलीशियस चिकन ब्रेड हमने एक बार और उसको बनाने की सोची, और इस बार मैं जो है वो ख़ुद पर्सनली इसमें फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले रही हूँ ताकि मुझे भी जो है वो बनानी आ जाए. और उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा. अगर मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज मच एज़ यू कैन. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.